हेलो गाइस गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एजुकेटेड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। पिछले वाले दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 और बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसका मैं करवा चुका हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है cos पे पावर 4 2x, तो इसको क्या करना है हम लोग को, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालना है, तो किस मेथड से निकालना है, क्योंकि इंटीग्रल्स चैप्टर में बहुत सारे मेथड है, तो एक्सरसाइज 7.3 को हम लोग को किस मेथड से निकालना है, तो इसको हम लोग मेथड निकालना है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मेथड से। चलिए इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है cos पे पावर 4 2x, तो इसको हम लोग इस तरीका से भी तोड़ सकते हैं। तो इसका हम लोग स्क्वायर एक होल स्क्वायर कर दिए, तो cos पे पावर स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए पहले ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स में है, इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मेथड से। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 cos 2x/2। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलर देना है, सिमिलर दिख रहा है आप लोगों को, होगा आप लोगों को थोड़ा सिमिलर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लोग का आ जा रहा है, बस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 1 cos यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 4 = 2 = 4 हो जाएगा, तो 1 cos 4x/2 का होल स्क्वायर। तो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 1/4 को कॉमन ले लेंगे। क्यों 1/4 को कॉमन, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे हर तरफ इंटू होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 1/4 का स्क्वायर किए, ये 1/4 का कॉमन लिए, तो यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर बच रह जाएगा, तो 1 cos 4x यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। मगर यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो ये हम लोग का रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को हम लोग 1 × 1 तो 1 हो जाता है, b² cos पे पावर स्क्वायर 4x + 2ab, 2 × 1 b हम लोग का क्या है cos 4x। तो यहाँ तक आप लोग को हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है 1/4 प्लस, मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को लिखना, मेरा मोटिव है कि आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन कवर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से हम लोग cos² x का फॉर्मूला आ गया, बस यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, 4 × 2 = 8 कर देंगे, तो वही हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 1 cos 8x/2 + 2 cos 4x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग कर दिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 1/4 अब 1/2 अलग कर दिए, प्लस cos 8x/2 अलग कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग अलग कर दिए। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको प्लस कर दिए, 1 + 1/2 को प्लस किए, तो हम लोग का 3/2 हो गया, तो 1/4 तो कॉमन था यहाँ पे, प्लस cos 8x/2 प्लस जैसे आ रहा है ऐसे ही 2 cos 4x। अब यहाँ इतना आ गया, अब इसको हम लोग 1/4 सब तरफ इंटू कर देंगे, तो 1/4 से इंटू करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, cos 8x/8 हो जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी इंटू कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखिए अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, पहले हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स में था, अब ये सिंपल आ गया, तो इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स था, ये सिंपल में, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 100% चांस रहेगा सही होने का। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 3/8 हम लोग का कॉन्स्टेंट नहीं है, 3/8 हम लोग का सिंगल है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x हो जाता है। तो आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे 3/8x। अब देखिए cos 8x को इंटीग्रेट करते हैं, cos को इंटीग्रेट करते हैं, साइन हो जाता है 8x, और जो भी x से कॉफिशियंट रहता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 8 पहले से है, और 8 कॉफिशियंट इंटू हो जाता है, तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, प्लस sin 4x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग cos को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो साइन होता है 4x। अब पहले से नीचे हम लोग का 2 है, और 4 हम लोग का x कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड होता है, तो 4 × 2 हम लोग का 8 हो जाता है प्लस c, तो ये हम लोग को हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, sin²x/1 cos x। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, इसका भी मैं सॉल्यूशन लिख चुका हूँ क्योंकि बहुत ही आप लोग को इजी लगेगा, बस फॉर्मूला बेस्ड है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला याद रहेगा,
या आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप लोग बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये हम लोग का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे है। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग का होता है 2 sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और 1 cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x। तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मेथड में सिर्फ हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने में, उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब इसका स्क्वायर हम लोग सब तरफ ये लिख दिए इसको, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर sin² x/2 cos² x/2, ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या होगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 एक ऊपर वाला कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे रह क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा तो हम लोग का सिर्फ ये बच जाएगा, इस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का अधिकतर ये रह जाएगा 2 sin² x/2। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई भी करिएगा तो ये आएगा, पूरा फाइनल सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 sin² x/2। अब इसको देखिए हम लोग 2 sin² x/2 को हम लोग 1 cos x भी लिखते हैं, आप लोग को याद ही होगा क्योंकि ये फॉर्मूला यूज है। आप लोग को अभी भी दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं होगा इसी कारण, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको, अब देखिए ये सिंपल में हो गया, अब ये हम लोग कॉम्प्लेक्स था, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में आए तो यहाँ पे 1 cos x हो गए। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो x होता है, cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे sin x होता है, तो माइनस आगे था तो x - sin x + c, ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में, तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आप लोगों को लगेगा, तो cos 2x - 2α / cos x - cos α, तो इस तरीका का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को ये लगेगा मगर बहुत ही इजी है। इसका भी मैं सॉल्यूशन लिख चुका हूँ क्योंकि आपको मैं रिटर्न करके दिखाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो मेरा मोटिव है कि कम से कम टाइम सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब नहीं तो आप लोग एक मिस हो जाएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो फॉर्मूला का यूज है बस, अब यूजिंग cos c - cos d, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी मैं लिख दिया हूँ, cos c - cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin c + d / 2 sin c - d। ये फॉर्मूला क्यों लिखे, देखिए यहाँ पे इसी का टर्म में लिखा हुआ है, c हम लोग का 2x है और d हम लोग का 2α है, इसी तरह का नीचे से हम लोग का फिर से हम लोग का x हम लोग का c है और अल्फा हम लोग का d है, तो इस फॉर्म में हम लोग तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin, तो यहाँ पे -2 sin लिख लेंगे। अब देखिए c प्लस d, c हम लोग का क्या है 2x प्लस और d क्या है 2α / 2 sin, ये हम लोग का यहाँ पे कटा हुआ है, ये यहाँ पे बस यहाँ से यहाँ तक है। अब इसी तरीका से यहाँ पे साइन है c माइनस टू, सी हम लोग का 2x है -2α/2, तो इसी तरीका से हम लोग का नीचे वाला भी लिख लेंगे फॉर्मूला के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 sin x + α / 2 sin x - α/2। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते, अब देखिए यहाँ पे -2 - 2 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे, तो यहाँ पे आप लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 2 कट जाएगा आपस में, यहाँ से तो -2 - 2 कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x/2 हो जाएगा, इधर 2α/2 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x + α। तो ये कॉमन सेंस है, बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। फिर इसी तरीका से हम लोग इसको अलग लिखेंगे 2x/2, तो 2 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पे -2α/2 लिखेंगे तो फिर 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ फिर से रह जाएगा x - α। अब नीचे तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है नहीं, तो इसको जिस तरीका से है बस यहाँ पे लिख देंगे, बस यहाँ पे -2 - 2 कट चुका है, तो इस तरीका से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का, अब इस यहाँ पे देखिए sin x + a का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा या याद होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x + a / 2 cos, इस तरीका से फॉर्मूला है cos x + a / a + b / 2 है, तो इसी तरीका से दोनों का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। फॉर्मूला नहीं, ये हम लोग का ही कुछ है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसका, अब डिवाइडेड बाई ये हम लोग का नीचे लिख लेंगे, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत टर्म कट जाएगा हम लोग का, यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा नीचे से, देखिए यहाँ पे हम लोग का जितना भी साइन साइन टर्म रहेगा
वो हम लोग का कट जाएगा, बस रह जाएगा हम लोग का 4 cos x प्लस अल्फा बाई 2 cos x माइनस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ रहा होगा, तो आप लोग फिर से बनाइए, एक बार खुद से बनाइए तो आप लोग का दिक्कत कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे आप देखिए 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2 कॉमन लिए, तो cos x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पे cos x प्लस अल्फा, यहाँ पर भी हम लोग का 2 कॉमन लिए पूरा पे, तो इस तरीका से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब इसको पूरा हम लोग लिख सकते हैं x, और cos इसको लिख सकते हैं पूरा अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसका मैं आप लोग फिर से खुद से बनाइए, तब आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा, तो इस तरीका से हम लोग का आ गया। अब ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स था, ये हम लोग का सिंपल आ गया, बस इसे आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ पे बस इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स था, अब ये सिंपल हो गया, इसको इंटीग्रेट करना कितना ईजी है। अब यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, दोनों तरफ 2 था, और साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे कॉस को हम लोग साइन एक्स कर दिए, और कॉस एक्स को हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन लेके इसको इंटीग्रेट कर दिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का ये है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए इसको भी फॉर्मूला के अनुसार तोड़ना है, इसमें थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो देखिए इसे अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 लिखते हैं, और साइन 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख दिए, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करिएगा, इसको इस तरीका से सिंप्लीफाई करिएगा, तो हम लोग का रह जाएगा कितना, cos x माइनस साइन एक्स साइन डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसी चीज को लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। यहाँ पे क्यों माने मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने, इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे लेट मान के, उसके बाद हम लोग उसको आगे वाले 7.27.1 में इस तरीके का बना हुआ है, तो आप लोग को आई होप आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट मान के हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट ये करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे साइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा dx = dt। तो यहाँ पे हम लोग का dx का वैल्यू आ गया। अब देखिए dx का वैल्यू यहाँ पे लेट करके हम लोग dx का वैल्यू लाए, यहाँ ये हम लोग का dx का वैल्यू है, तो यहाँ पे dx का वैल्यू आ जाएगा dt/cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे हम लोग अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो इंटीग्रेट किए इक्वल टू, तो इसको हम लोग ये लाए थे, तो यहाँ पे ये लिख दिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू क्या हम लोग का है, dt/cos x - sin x, तो यहाँ इस तरीका से हम लोग ये लाए थे, और ये हम लोग का कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, dt/ और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग टी माने हैं, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर लाएंगे, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो माइनस लग जाता है, पावर में माइनस लग जाता है, 2 - पावर 2। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का एक जुड़ जाता है, इंटीग्रेशन है पावर, तो -2 + 1, तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का माइनस आगे लग जाएगा, और यहाँ पे हम लोग -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 है, इसको हम लोग -1 हम लोग का रेसिप्रोकल होता है, तो -1/2t हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए माइनस लगा हुआ आगे, और टी का वैल्यू हम लोग क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आई होप आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है टैन, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, टैन पे पावर क्यूब 2x sec 2x। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको टैन क्यूब 2x sec x को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक हम लोग टैन बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन स्क्वायर 2x, और यहाँ पे एक टैन लिख दिए टैन 2x sec 2x। क्यों निकाले यहाँ पे, क्योंकि इसको सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ पे टैन स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x - 1, और यहाँ पे देखिए टैन 2x sec x, तो ये हम लोग लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको इंटू कर दिए सबसे, तो यहाँ पे sec स्क्वायर 2x को हम लोग टैन 2x sec x 2x कर दिए इंटू, और 1 से हम लोग पूरा 1 से इंटू कर दिया टैन 2x और sec 2x को, तो इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए एक तरफ हम लोग का इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए tan cube 2x, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट सेक स्क्वायर, तो ये हम लोग पूरा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर 2x, टेन 2x, सेक 2x dx माइनस, अब ये वाला पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, लिखते हैं, तो इंटीग्रेट का सिंबल टेन 2x, सेक 2x dx। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ का तो हम लोग वही हम लोग इंटीग्रेट कर रखते हैं, और दूसरा तरफ का ये देखिए हम लोग का टेन 2x, सेक 2x को इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लोग का आ जाता है सेक 2x बाई 2 प्लस सी, तो ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम लोग लेट मानना पड़ता है, किसी चीज को हम लोग लेट मान, मान लीजिए यहाँ पे sec 2x है, यहाँ पे sec 2x है, इसको हम लोग t मान लिया, इसको अब हम लोग sec 2x को मानेंगे, अब इसको बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ विथ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लोग आ जाएगा 2 sec 2x tan 2x, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, लेट किए थे dx इक्वल टू dt, तो ये हम लोग का आ जाएगा, तो dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई 2 sec 2x tan 2x आ जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं पूरा को, तो यहाँ पे हम लोग का आया था, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर से देख लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं वन, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, अब 1 बाय 2 हम लोग का कांस्टेंट था, कैसे कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे dx का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 1 बाय 2, तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे sec 2x को हम लोग t स्क्वायर माने हैं, सॉरी t माने हैं, तो यहाँ पे t स्क्वायर sec 2 sec स्क्वायर 2x को t माने हैं, तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का tan 2x और sec 2x कट जाएगा, कैसे कटेगा, dx का वैल्यू हम लोग का क्या है dt बाय 2 sec 2x tan x, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो यहाँ से ऊपर नीचे से ऊपर यहाँ पे हम लोग का कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का sec 2x बाय 2 प्लस सी। अब देखो तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ हम लोग का, इसको हम लोग इंटीग्रेट करके बताते हैं, तो t क्यूब हो जाएगा, और जो भी हम लोग का रिस्पेक्ट में रहेगा तो 2 है, और नीचे हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर 2 इंटू 3 हम लोग का 6 हो जाएगा माइनस sec 2x बाय 2 प्लस सी। अब देखिए t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो t का वैल्यू पुट करेंगे sec 2x का होल क्यूब बाय 6 माइनस sec 2x बाय 2 प्लस सी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, t का हम लोग पुट कर दिए वैल्यू।